यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सलवार की कटिंग बताएंगे। सलवार की कटिंग के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए, बीच वाला पार्ट, दो साइड के और बेल्ट। इसके लिए हमें सलवार की लंबाई देखनी है। जितनी भी सलवार की लंबाई है उसमें 3 प्लस करके टोटल करके और उसमें से बेल्ट का हिस्सा निकाल देंगे। हमने अब 37 की लंबाई ली है तो इसमें 3 प्लस हो गए 40, 40 माइनस 8 32। अब हम जो ये हिस्सा है ये 32 ले लेंगे और ये भी, और ये बच गई हमारी बेल्ट। बेल्ट में जो 8 लिया हमने, 8 लेके और ये हिस्सा हमने हिप के हिसाब से लेना है, जिसकी जितनी हिप है उसमें 3 प्लस करके। सबसे पहले हम पार्ट लेंगे तो हमने कितना लिया था 32, ये हमने 32 ले लिया और इसको हम इस तरफ से लेंगे 14, क्योंकि अगर हम कम लेंगे तो बीच में आएगा जोड़ और ज़्यादा लेंगे तो पीछे चला जाएगा। यहाँ से ये ले लिया 32, इधर से भी हमने 14 ले लिया और इधर से भी। इसमें हमने सबसे पहले बीच वाला हिस्सा काटना है तो हम इसके बीच वाले हिस्से को 32 ले लिया और इधर से हमने ले लिया इसको 14, क्योंकि 14 ना ज़्यादा है ना कम है। अगर कम लेंगे तो बीच में जोड़ आएगा और ज़्यादा लेंगे तो साइड में चला जाएगा। तो ये सीधी लगा के सबसे पहले हम इस हिस्से को अलग कर लेंगे। बीच वाला हिस्सा अलग कर दिया। इसके बाद हम ये साइड वाला हिस्सा लेंगे। इधर से इसकी लंबाई ले ली तो इधर से हमने ये आसन ले लिया। 10 साढ़े 10 का आसन नॉर्मल है, इसमें ना ही ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। और इधर से हमने जितनी पोंछे की चौड़ाई लेनी है उसको हम नाप के, जैसे हमने 7 वो ले लिया, कुछ सिलाई में जाएगा तो हम इसको 1 इंच ले लेंगे बस, और इधर से निशान लगा देंगे। फिर हम इस हिस्से को अलग कर देंगे। तो ये निकाल लिए साइड के और इसके लिए हम दोबारा नाप नहीं लेंगे। जो 2 काट दी उसको इसी के ऊपर रख के और हम दूसरा हिस्सा काट देंगे बस। इसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है इसको ठीक कर देंगे। ये हो गया। अब इसको हम बीच से अलग कर देंगे। अभी पहले हमारी कटिंग लगभग पूरी है, 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, जैसा कि पहले बताया था कि हमने 3 चीज़ें बनानी हैं। 3 चीज़ें बेल्ट बच गई थी। बेल्ट जैसे जिसकी अगर हम हिप को 10 ले रहे हैं, 10.5 ले रहे हैं तो ये 3-4 इंच ज़्यादा होगी, ये पूरी है। और इस तरह से हमने इसको 8 ले दिया और ये होगी 26। अगर किसी की हिप 12 है और ज़्यादा है तो हम इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ये हिप के अकॉर्डिंग कटेगी। और हम इसको अलग निकाल देंगे, निशान लगा के और सीधा करना है। निशान मैंने इसीलिए पहले लगा लिए थे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने।
अब कटने के बाद सारी चीजें तैयार होगी। ये बीच वाला हिस्सा ये साइड में इस तरह जोड़ लगाना, और ये इस तरह ऊपर बेल्ट आ जाएगी। जैसे कि हमें पहले हम देख रहे थे कि चार चीजें, तो हमारी चार चीजें पूरी होगी और सलवार की कटिंग लगभग पूरी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।